इस हॉल का सबसे सस्ता बैग अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये बैग। आज मेरे पास ये सारे बैग हैं आपको दिखाने के लिए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारे बैग्स का रिव्यू देती हूँ और इनमें से मेरा कौन सा फेवरेट है ऑफिस जाने के लिए वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आज मैं आप सबके साथ अमेज़न बैग फाइंड शेयर करूंगी, काफी अमेजिंग अमेजिंग से आज मेरे पास बैग हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ना, 250 से स्टार्टिंग है ये बैग की और मैक्सिमम 1000 का बैग। अगर आप ऑफिस जाने के लिए कोई स्पेशियस बैग देख रही हैं जिसमें आप लंच बॉटल, कुछ कुछ अपने पर्सनल सामान और कुछ कुछ ऑफिस के सामान रख सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, वीडियो को लाइक करती हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करती हैं। इनमें से मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ ब्लैक। ब्लैक यूनिवर्सल कलर है तो सबसे पहले ब्लैक के साथ स्टार्ट करते हैं। मान रखने के लिए ना ये बैग बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट में चेन नहीं है, ये इस टाइप का इसमें लॉक होता है, आप इसमें अपने छोटे मोटे सामान रख सकते हो, चश्मा वगैरह। फिर आता है हमारा सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट चेन वाला, आप इसमें अपने पैसे लंच वाटर बॉटल, बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, बहुत कुछ हट जाता है, लैपटॉप कॉपी बैग वॉट एवर यू वॉन्ट आप इस स्पेस में एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेस है। फिर हमारे पास एक और कंपार्टमेंट आता है जो कि ये वही जो जैसा फर्स्ट में था वैसे ही लास्ट में, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम लेदर से बना हुआ लगता है। और इससे मैंने 400 और 500 में लिया था और ये मींस वर्थ द प्राइस। अगर 500 आप लगा रहे हो और ये बैग ले रहे हो ना ऑफिस जाने के लिए, बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेरे पास ज़ूक का बैग है। ये बैग देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसका प्रिंट काफी एंटिक टाइप का था इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो जिस मटेरियल से बना है वो भी कुछ डिफरेंट मटेरियल है, यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है इस तरीके से, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, साइड में भी आपको इस तरीके से स्टाइलिंग मिल जाती है बेल्ट टाइप के फॉर्म में जो कि इसको एक और अच्छा इन्हांस कर देता है लुक। और साइड में भी इसके दोनों तरफ ये बेल्ट वाला पैटर्न, पीछे में ये है जो कि बैग को नीचे से खराब होने से बचाता है। ये यहाँ पे स्टील का है, चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से लगा है, अगर आप जमीन पे भी बैग रख रहे हो ना तो ये जमीन पे टच नहीं होने देता है। और बैग ये पीछे वाला आप देखो अभी तक एकदम सही है। ये इस बैग को मैंने 2 से 3 महीने एकदम रगड़ करके यूज किया था, उसके बाद मैं दूसरे बैग पे शिफ्ट कर रही थी तो मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था ये बैग। और बहुत ज्यादा स्पेस है इस बैग में, आप इसको ना छोटे मोटे ट्रैवल करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इस बैग को सिर्फ एक वजह से लिया था, इसके लैपटॉप कंपार्टमेंट की वजह से, मुझे लैपटॉप बैग अलग से कैरी करना पड़ता था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये वाला लिया। इसमें लैपटॉप कंपार्टमेंट है ना तो काफी अच्छे से, और ये फोम का बना हुआ है तो काफी अच्छे से लैपटॉप को होल्ड कर देता है, बीच में भी हमारा काफी स्पेस है। अब यहाँ देखो काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, इतना चौड़ा लंच बॉक्स में लेके गई हूँ, वो भी हटा है, वाटर बॉटल भी हटा, सब कुछ हटा है। और इस तरफ ना आपको ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिल जाएंगे जिसमें आप पेन वगैरह मेकअप लिपस्टिक और कुछ अपने वॉलेट्स वगैरह रख सकते हो। तो ओवरऑल बैग ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये डिस्काउंट भी मैंने 1000 के आसपास लिया था, तो दिस इज ऑल्सो मस्ट बाय अगर आपको लैपटॉप डेली ऑफिस लेके जाना है और अपने लंच वाटर बॉटल वॉलेट और कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है, दिस इज गुड। नेक्स्ट जो बैग है ना वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग प्रिंट है उसका, तो मेरे पास है ये एलिगेटर डिजाइन वाला बैग, एकदम कॉफी ब्राउन कलर का है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 से 3 महीने से ना मैं एकदम डेली यही बैग को लेके जा रही हूँ ऑफिस, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब बैग मेरा कम से कम 5 से 6 kg का हो जाता है, बुक्स वगैरह रख के लैपटॉप रख के तो बहुत हेवी हो जाता है, स्टिल अभी तक आप देखो यहाँ से कहीं इसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बैग अप्रॉक्स 500 का था और 500 के लिए ना इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये भी इसका लुक काफी अच्छा है, यहाँ पे जो अलग से ये फैब्रिक से ऐसे बो बना दिया है ना जो कि अभी थोड़ा खराब हो गया है, हाँ तो वो बहुत अच्छा लुक देता है बैग को। इसमें भी 3 कंपार्टमेंट है, ये वाला और ये वाला सेम पैटर्न में है, इसमें चेन बस बीच में दिया है, बाकी दो में वो इस टाइप का लॉक सिस्टम है, इसमें तीनों में चेन है जो कि काफी अच्छा बना देता है, सेफ बना देता है बैग को। ये देखो इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट काफी ज्यादा स्पेशियस है, इसका फर्स्ट ही कंपार्टमेंट ठीक है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, सेकंड कंपार्टमेंट तो मतलब बीच वाला मेन कंपार्टमेंट जो है देखो सब सामान निकाला है फिर भी कुछ ना कुछ रह गया है, तो सेकंड कंपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, मतलब इतना एक बित्ता का इसमें स्पेस है, अब इसमें लंच बॉटल बुक्स वगैरह लैपटॉप कुछ भी रख सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ऑफिस ले जाने में ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता था तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने एकदम स्पेशियस बैग लिया है शोल्डर बैग। और फिर ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट सेम है इसकी तरह, और इधर हमें एक चेन भी मिल जाता है छोटा सा, इसमें चेंज वगैरह मैं रख लेती हूँ, देने में कुछ सामान बहुत इजी हो जाता है, वॉलेट वगैरह इसमें आप इस तरीके से छोटे छोटे अपने आइटम्स भी रख सकते हो, तो ये बैग मुझे काफी अच्छा लगा। जब मैं ले रही थी ना इसमें एक भी रेटिंग वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन
कहते हैं ना रिस्क लेने से कभी कभी कुछ अच्छा हो जाता है, तो इस बैग को मैंने सोचा ले लेती हूँ, नहीं मिलेगा तो रिटर्न कर दूंगी अगर अच्छा नहीं रहा तो। लेकिन ये वर्थ द इन्वेस्टमेंट था, बहुत अच्छा बैग है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑफिस में सामान लेके जाना होता है ना, मस्ट हैव। इस हॉल का सबसे सस्ता बैग अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये बैग। ये बैग 250 रुपीज का है, मतलब आपको जो स्ट्रीट पे 300-400 में बैग मिलता है ना, उससे भी सस्ता है ये बैग। अमेजोन पे आपको घर पे मिल रहा है, और काफी प्यारा प्रिंट था इसका, इसलिए मैंने लिया था। ये देखो सिंपल सा ये बैग मैंने मम्मी के लिए लिया था, कहीं इधर उधर जाना है तो यार यही बैग लेके जाओ। काफी अच्छा सा इसका प्रिंट है, इस तरफ देखो एक हमें चेन मिल जाता है, हमें दो चेन मिल जाता है जो हमें यूजुअली मिलता है बैग में। तो ये भी काफी स्पेशियस है, आप देखो ये अंदर से इस तरीके का दिखता है, और अंदर में भी हमें एक छोटा सा चेन मिल जाता है, तो इसमें मैं कभी कभी वो चेंज रख लेती हूँ, ईजी हो जाता है यूज करना। और ये रहा हमारा दूसरा, आप देखो कितना यूज करके अंदर पूरा गंदा कर दी हूँ, तो डोंट माइंड दैट। लेकिन ये बैग भी काफी अच्छा है, 250 रुपए में अगर आपको कुछ सस्ता टिकाऊ चाहिए ना तो आप ये बैग ले सकते हो। बहुत ही अच्छा बैग है, और काफी डिफरेंट प्रिंट है इसका जो कि इस बैग को काफी अलग लुक देता है। जो भी बैग अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं। तो लास्ट सबसे अच्छा बैग इस हॉल का वो है ये लावी का बैग। बहुत ही एलिगेंट क्लासी सा बैग, आप इसे पार्टी में भी कैरी कर सकते हो अगर आपको ये बैग अच्छा लग रहा है तो। इसे मैं तो इधर उधर डिनर विनर लंच वंच में भी लेके चली जाती हूँ। बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखने में भी बैग बहुत अच्छा है, बहुत क्लासी वाइब्स आता है, रिच वाइब्स आता है इस बैग से। इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और अंदर भी ये काफी ज्यादा स्पेशियस है। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, यहाँ एक चेन है, काफी बड़ा सा चेन है, तो इसमें आप अपने छोटे मोटे जो भी सामान है रख सकते हो। फिर ये रहा एक कंपार्टमेंट, चेन खोलने के बाद ही ये डिवाइडेड है अंदर से इस तरीके से, तो एक तरफ आप इधर सामान रख सकते हो, एक तरफ आप इधर सामान रख सकते हो। बीच में भी चेन दिया हुआ है, तो बीच में आप अगर आपको कुछ मन है इम्पोर्टेंट कुछ रखने का तो आप इस तरीके से इसमें अपना कैश या मेकअप आइटम रख सकते हो। और फिर इधर है हमारा छोटा सा, फिर इधर आता है हमारा छोटा सा कंपार्टमेंट, ये ऐसे छोटा छोटा कुछ भी सामान रखने के लिए। तो ये बैग भी दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशियस है, और पीछे फिर हमें एक चेन मिलता है। आप इस बैग को हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर शोल्डर स्लिंग बैग भी बना सकते हो, तो इसमें हमें एक बेल्ट भी मिलता है। इसे अटैच करके ना हम इसे स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये हमारा हैंडबैग शोल्डर बैग में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2-in-1 का काम करेगा। और ये मुझे सेल में 1000 का मिल गया था, ऐसे इसकी प्राइस हमेशा 1200-1300 रहती थी। अगर आप सेल में ये सब चीज को लोगे ना तो आपको और भी सस्ते दाम पे मिल जाएगा जैसे मुझे मिला था, और काफी अच्छा बैग है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।